ठीक है। चैप्टर 12 टेबल्स प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। इसका आईएस है 37। आईएस 37। ठीक है, इसका ओवरव्यू दिया हुआ, इस पे तो आखिर में आएंगे हम। अच्छा, ओवरव्यू देख लेते चले पहले। इसमें क्या लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट। IAS 37 है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट। सही है, पास्ट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आपने गुड्स बाय की, प्रेजेंट में एप्लीकेशन आ गई कि अब आपने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ट्रांसफर करने, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट। तो मॉनेटरी बेनिफिट मतलब वही कैश आपने पे करना है, लाइबिलिटी होती है। अच्छा, दो टाइप्स हो गए, करंट लाइबिलिटीज वर्सेस नॉन करंट होती हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? लाइबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। इसमें क्या आ जाता है? प्रोविजन और इधर कंटिजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, असल हमने मेन इसमें यही चीजें पढ़नी है, लाइबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। ठीक है, इस पर बात करेंगे। बाकी करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज तो मालूम पड़ चुके हैं। जब ये कैटेगरीज ऑफ लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज आर क्लेम्ड ऑन द बिजनेस बाय आउटसाइडर। ये एक डेफिनेशन और आ गई लाइबिलिटी की। ठीक, क्लेम्स ऑन बिजनेस बाय आउटसाइडर्स, कि उन्होंने बिजनेस से कितने पैसे लेने, कितना क्लेम है ना उन पे। सही, तो दो टाइप्स की लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। डिफरेंस क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पेबल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। करंट लाइबिलिटीज दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है? कौन सी डेट? रिपोर्टिंग डेट किस डेट को कह रहे हैं? यहाँ रिपोर्टिंग डेट मीन्स कौन सी डेट? रिपोर्टिंग डेट किस डेट को कह रहा है? ईयर स्टार्ट, ईयर एंड, ट्रांजेक्शन की डेट, या जब ड्यू डेट आपकी जो ईयर एंड होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट का मतलब ईयर एंड, कि हम ईयर एंड पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट मीन्स ईयर एंड होता है। जो लॉन्ग, इसकी एग्जाम्पल है लोन हो गया, और करंट के एग्जाम्पल पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन आ जाए। इसके बाद पैराग्राफ के, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी सो दैट यू कैन एंश्योर यू एलोकेटेड टू करेक्ट कैटेगरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अच्छा, दिस कैन बी सिग्निफिकेंट टू मैनी मल्टीपल चॉइस स्टाइल क्वेश्चन, सो टेक केयर वैन मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर लाइबिलिटीज। टिपिकली ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? लाइबिलिटीज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, ओवर ड्राफ्ट एंड एक्रूवल्स द मेन फॉर्म ऑफ करेंट लाइबिलिटी एग्जामिन्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लोन्स आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये सब तो पता। अच्छा, ये बताएं इसमें जी, जो करंट नॉन करंट की बात कर रहा है ना, कि पेबल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, पेबल विद इन 12 मंथ्स, तो ये 12 मंथ्स काउंट कब से होंगे? ट्रांजेक्शन डेट से काउंट करेंगे, ईयर एंड से? ईयर एंड से काउंट होते हैं, ईयर एंड। ठीक है, हम बैलेंस शीट का बनाते हैं रिपोर्टिंग डेट पर, ईयर एंड पे बनाते हैं, तो ईयर एंड से 12 नेक्स्ट 12, यानी कि करंट ईयर एंड से नेक्स्ट ईयर एंड तक ये 12 मंथ्स हो गए। तो इस ड्यूरेशन में जो लाइबिलिटीज पे करनी होंगी वो करंट, और उसके बाद जो पे करनी है वो नॉन। जैसे आज अगर 31 दिसंबर है, ईयर एंड हुआ, तो नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31 दिसंबर, तो करंट ईयर एंड से नेक्स्ट ईयर एंड तक ये 12 मंथ्स। ट्रांजेक्शन डेट को हम कंसिडर नहीं करते, कि आपने वो ट्रांजेक्शन आपकी दिसंबर में हुई, नवंबर में हुई, सितंबर कब हो रही है, उसको कंसिडर नहीं करते। ईयर एंड को देखते हैं, करंट ईयर एंड से नेक्स्ट ईयर एंड तक। ठीक है, ये 12 मंथ्स हो गए। इस ड्यूरेशन में जो लाइबिलिटी पे करनी है वो करंट, और उसके बाद जो पे करनी है वो नॉन। ठीक, ट्रांजेक्शन डेट को नहीं देखते। सपोज करें आपके पास 5 लाख का लोन है और आपकी इंस्टॉलमेंट है 10,000 पर मंथ,
आज ठीक है, आज डेट है 31 दिसंबर, आपका लोन है टोटल 5 लाख का और 10,000 पर मंथ आपको पे करना है। ठीक, करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, नॉन करंट कितनी होगी? लोन है आपका 5 लाख का, आज 31 दिसंबर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, टोटल लोन है हमारा 5 लाख और हमें पेमेंट करनी है 10,000 पर मंथ, इंस्टॉलमेंट है हमारी। तब करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करंट में क्या आएगा? हाँ, एक बार हाँ, तो देखिए करंट ईयर एंड से नेक्स्ट ईयर एंड तक कितनी इंस्टॉलमेंट देना होगी, 12, तो 10 12 ऑफ 120, तो 1,20,000 करंट लाइबिलिटी और 3,80,000 नॉन करंट। ठीक है, तो करंट ईयर एंड से नेक्स्ट ईयर एंड तक हम देखते हैं कि 1 ईयर में कितना अमाउंट देना है वो करंट, और उसके बाद जो पे करना है वो नॉन करंट। तो इसमें हम ट्रांजेक्शन डेट को नहीं देखते कि लोन कब लिया था। ठीक है, अच्छा ये तो ऊपर बात हो गई है। अच्छा यहाँ पर पढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ है, लायबिलिटीज डिफाइन एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। जैसे पास्ट में आपने लोन लिया कोई चीज बाय की क्रेडिट पे, तो करंट पे आपके ऑब्लिगेशन आ जाती है ना, कि सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंबॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ एसेट्स हो गए ना आपके, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मीन आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, और नॉर्मली कैश में पे करते हैं, इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मॉनिटरी बेनिफिट। तो लाइबिलिटी क्या होती है, पास्ट इवेंट होगा जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई और अब आपने फ्यूचर में उसकी सेटलमेंट करनी है कैश आउटफ्लो की फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मली पेमेंट कैश के फॉर्म में ही होती है, वैसे अदर एसेट्स के फॉर्म में भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये द ऑब्लिगेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड, द ऑब्लिगेशन मे बी अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं ऑब्लिगेशन की, कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, याद होगी हमने FA2 में ही पढ़ा था, याद है प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज का एक चैप्टर था हमारा FA2 में, याद है? नहीं याद है? लाइबिलिटी, ठीक है, तो वहां हमने पढ़ा था ना, लाइब ऑब्लिगेशन दो टाइप्स की होती है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू IS 37, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एंटिटी हैविंग एस्टैब्लिश्ड और पब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स दैट इट विल एक्ट इन अ सर्टेन वे। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, पहले इसे लीगल को कहाँ पे डिफाइन करें, कहीं दिया है? नहीं दिया। यहाँ इसको पढ़ते हैं, इधर से लीगल और, ठीक है, हाँ जी, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसीज की वजह से अराइज हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, जैसे आपने एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कि आपने एक एक मैन्युफैक्चरर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 साल तक आप रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और वो आपसे बाय करेगा, एग्रीमेंट हो गया, साइनमेंट हो गया, और उस पर एक पॉइंट आपने लिख दिया कि अगर ईयर एंड से पहले आपने सप्लाई रोकी या बायर ने परचेजिंग रोकी तो 5 लाख का फाइन लगेगा। जब क्या हुआ, 6 मंथ के बाद जो बायर था आपका, उसने सप्लाई लेना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, अब उस पर ऑब्लिगेशन आ गई कि उसे 5 लाख पे करना है, तो ये क्या कहलाएगी, लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब जो किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की वजह से हो या लॉ की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन आप पे आ जाए। और कंस्ट्रक्टिव होती है जो आपकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से आप पे आ जाए, जैसे सेल करने के बाद गुड्स रिटर्न करना या रिफंड करना, ऐसे की पॉलिसी हमारे यहाँ पे कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो within 7 days आप रिफंड कर सकते हैं, तो लॉ है ऐसा? लॉ नहीं है ये, मतलब हर दुकानदार की अपनी पॉलिसी होती है, कोई रिफंड करता है कोई रिफंड नहीं करता ना, तो ये क्या कहलाएगी, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन।
ठीक है, कि जो आप आपकी अपनी बनाई हुई पॉलिसी की वजह से आप पे आ जाए ना। ये डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज रिटेल स्टोर व्हिच अलाउज कस्टमर्स टू रिटर्न अनवांटेड गुड्स। ठीक है, इफ द गुड्स आर ऑफ रॉन्ग साइज कलर और स्टाइल विदाउट बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, इफ द मिनिमम लीगल ऑब्लिगेशन इज टू ओनली एक्सेप्ट रिटर्न गुड्स व्हिच हैव बीन रिटर्न बिकॉज दे आर फॉल्टी और डिफेक्टेड इन सम। अच्छा, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है। इसमें क्या है कि अगर वो गुड्स आपके डिफेक्टेड या फॉल्टी हैं तब तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगी लीगल, या बाउंड है कि आपने गलत चीज दी थी उसको, तब आपको रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फॉल्टी या डिफेक्टेड नहीं है तो फिर आप लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन आपने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि आप रिफंड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी फिर? एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये डिफरेंस है इसमें कंस्ट्रक्टिव और लीगल। जो कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज कैन पीस दिए इसमें, ये तो आपको पता है ना, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, परचेज के साथ एक्सपेंस लिखा हुआ क्यों? परचेज की नेचर एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस आगे परचेज एक्सपेंस भी लिख दिया, परचेजेस की नेचर एक्सपेंस। सेल्स डेबिट कैश क्रेडिट, कैश सेल्स कम हो गई ना आपकी, सेल्स रिटर्न कर दें, सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, बाकी ये तो क्रेडिट वगैरह सब पता है आपको ना, क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज डेबिट टेबल क्रेडिट, और पे करते हैं तो एंट्री क्या होगी? पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोविजन। अभी तो हम बात कर रहे थे लाइबिलिटी की, हम बात करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था, याद है? प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज। हाँ, प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन इज डिफाइंड एज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है, मतलब ये कैसे लाइबिलिटी जिसका टाइम या अमाउंट सर्टेन ना हो कि कब कितना अमाउंट देना है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? कोर्ट में केस चल रहा है आप पे, किसने केस कर दिया आपके? ठीक है, अच्छा, जब केस कब तक चलेगा, कितना अर्सा चलेगा? नहीं पता। और केस हारे तो कितना फाइन लगेगा? नहीं पता। ये कब पता चलेगा? जब फैसला होने के बाद। ठीक है, राइट। तो क्या, फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी मे फेस अ लीगल एक्शन फॉर अ ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। द लाइकली रिपरकशन इज दैट इट मे बी फाइंड इफ द कोर्ट जजमेंट इज मेड अगेंस्ट देम। सो आपके अगेंस्ट अगर हो गया तो आप पे फाइन लग जाएगा। द टाइमिंग एंड सीवियरिटी ऑफ द फाइन विल बी डिसाइडेड बाय अ कोर्ट एट सम टाइम एट सम फ्यूचर डेट। ऐसा ही होता है। द की क्वेश्चन इज शुड द एंटिटी रिफ्लेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेट। इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इफ यू एज्यूम दैट द पोटेंशियल फाइन कुड बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इट कुड बी इवन लीड टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस, शुड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर इन सम वे। डिस्क्लोज करेंगे, अगर कंपनी की बात करें तो करना पड़ेंगे। एज ओनर ऑफ द बिजनेस दे आर एंटाइटल्ड टू नो अबाउट दिस पोटेंशियली सिग्निफिकेंट इश्यू दैट कुड डैमेज द प्रॉफिट एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड देयर फॉर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द एंटिटी। सही है, तो इसकी वजह से कितने सारे आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, बिजनेस बंद भी हो सकता है, प्रॉफिट भी कम हो सकता है, सेल कम हो सकती है, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो सकती है, वैल्यू कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक कंपनी में केस हो जाए तो उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी? कम हो जाती है ना, तो उसके कम होने से आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। अच्छा, इसको डिस्क्लोज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन, फर्स्ट पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजमेंट कैन टेक इज टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन इन द अकाउंट। पहला स्टेप तो ये होगा। दिस इज डन बाय एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग इट इमीडिएटली। ठीक है, तो एक एस्टिमेट लेके हम उसको फॉरन रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, एस्टिमेट किससे लेंगे?
केस अगर चल रहा है तो अब आप पे कितना फाइन लगेगा तो कौन बताएगा आपको, लॉयर बताएगा आपका, कोर्ट जज तो बाद में फैसला करेगा ना। लॉयर साहब एक एस्टिमेट ले सकते हैं ना, लॉयर बताता है कि भैया इस तरह के केसेस में इतना फाइन लगता है, तो उससे आप एस्टिमेट लेके प्रोविजन लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, तो एज द अमाउंट वुड बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, अ करिस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। एंट्री क्या होगी फिर इसकी, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन या लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाए। ठीक है, ये इसकी एंट्री बन जाती है प्रोविजन की। द प्रोविजन विल नीड टू बी क्लासिफाइड एज आइदर अ करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी एज बेनिफिट्स अ सिचुएशन। अच्छा, तो आपकी जो प्रोविजन है वो करंट भी हो सकती है और नॉन करंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि केस आपका कितना अर्से तक चलेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकती है केस के अलावा, कोर्ट में केस ही होगा तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, और कोई सिचुएशन? इसमें वो रिफंड वाली पॉलिसी भी आ सकती है ना, कि आप रिफंड की पॉलिसी है तो आप कितने इंगर्ड्स रिफंड होंगे, कब होंगे, कितना पे करना पड़ेगा आपको, वहां भी क्या है एक अनसर्टेनिटी। अटेंडेंस राइट, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन आप कब रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, गिवन द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू प्रोविजंस देयर इज सिग्निफिकेंट स्कोप फॉर अकाउंटिंग एरर और इवन डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ प्रोविजन टू ऑल्टर प्रॉफिट्स। अच्छा, रिड्यूस द रिस्क, अच्छा मैनिपुलेशन हो सकती है ना, आपने बस एक कुछ भी हो गया आपने उसको प्रोविजन के नाम से रिकॉर्ड कर। ठीक है, अच्छा फर्ज करें आप पे केस चल रहा है और लॉयर ने कहा भी 80% चांस है आप जीतेंगे, 20% चांस है आप हारेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड होगी नहीं होगी? सही, तब उसी पे बात करेंगे कि कब प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे कब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी इवेंट को लेकर अगर आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो मैनिपुलेशन हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आईएएस ने क्राइटेरिया दिया है कि आपने प्रोविजन को कब रिकॉर्ड करना है, तो रिड्यूस द रिस्क आईएएस 37 प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स स्टेट्स थ्री क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रोविजन। ऐसे पूरा इसका नाम है प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट आईएएस 37। अ प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक, पास्ट इवेंट हो जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आप पे आ गई है, पहला पॉइंट तो ये। जैसे आपने एक कस्टमर को कोई फॉल्टी गुड्स रिटर्न की, सेल कर दी जिसकी वजह से उसको कोई डैमेज हुआ और उसने आप पे केस कर दिया, राइट? तो ये हो गया एक पास्ट इवेंट, हुआ फॉल्टी गुड्स सेल की और आप पे प्रेजेंट में उसने केस किया तो आप पे एक ऑब्लिगेशन आ। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दी ऑब्लिगेशन। अच्छा, इट इज प्रोबेबल, पहली बात ये प्रोबेबल का यह मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रोबेबल यूज करते हैं जब मोर देन 50% चांस के लिए, किस बात के मोर देन 50% चांस हो कि एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दी ऑब्लिगेशन। जो भी ऑब्लिगेशन होगी सेटलमेंट आपने मॉनिटरी बेनिफिट की फॉर्म में करनी है, यानी कि आपने उसको कैश पे करना है या कोई और एसेट आपने देना है। ठीक, अगर जैसे कोर्ट कैसे भी आप इससे माफी मांग लें तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कोई मॉनिटरी आउटफ्लो नहीं है ना, सॉरी कर, तो ये एक जरूरी है कि उसकी पेमेंट यानी कि कैश के फॉर्म में हो या किसी और एसेट की फॉर्म में होनी चाहिए। और थर्ड, आर रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, रिलायबली आप उसको एस्टिमेट कर सकें। तो ये तीन पॉइंट्स फुलफिल होंगे तब आप एक प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फर्स्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मोर देन 50% चांस और रिलायबल एस्टिमेट। अच्छा, एग्जाम्पल दी देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन द क्राइटेरिया रेफर टू अबव मीन दैट प्रोविजन कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन एन अकाउंटिंग पीरियड इफ रिकॉग्निशन ऑफ अ लायबिलिटी हैज बीन ट्रिगर्ड एट द ईयर एंड।
ईयर एंड पे अगर वो ऐसा हुआ है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल स्मिथ को ईयर एंड 31 दिसंबर, इन नवंबर 7 स्मिथ को डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय इन फेब्रुवरी। अच्छा ठीक है, डिसमिस कब हुआ था? नवंबर 7 में। अच्छा इन फेब्रुवरी 8 अ कस्टमर स्लेप्ड वाइल्स ऑन स्मिथ को प्रेमिसेस एंड ब्रोक हर आर। ठीक है, अच्छा तो ये को आपने डिसमिस किया, दूसरे की टांग टूट गई, आपकी हाथ टूट गया, उसका हाथ टूट गया उसका। अच्छा जब क्या, इन मार्च 8 बोथ द एम्प्लॉयज एंड द इंजर्ड कस्टमर सू स्मिथ कंपनी फॉर द फॉर्मर फॉर अनफेयर डिसमिसल एंड सू कर दिया जी, फॉर द लेटर फॉर कंपनसेशन फॉर इंजरीज सफर्ड ऑन स्मिथ कोस प्रीमिसेस। शुड द ऑब्लिगेशन बी रिकॉग्नाइज्ड एट 31 दिसंबर फॉर आइदर ऑफ दीज लॉसूट। रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे लाइब्रेरी ऑब्लिगेशन, होगी नहीं होगी दोनों केसेस में या किसी एक में? देखिए ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 7 में, डिसमिस आपने किया था नवंबर 7 में और उसका आर्म टूटा फेब्रुवरी 8 में, केस दोनों ने मार्च 8 में किया जाके। पहले वाले में रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन, दूसरे वाले में नहीं करेंगे। देखिए अभी पॉइंट क्या आता था, क्राइटेरिया रेफर टू अबव मीन दैट अ प्रोविजन कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन एन अकाउंटिंग पीरियड इफ रिकॉग्निशन ऑफ लायबिलिटी हैज बीन ट्रिगर्ड एट द ईयर। ठीक है, तो इम्प्लॉय को आपने नवंबर में डिसमिस किया था तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और इसका जो आर्म ब्रेक हुआ था फेब में वो रिकॉर्ड। देयर इज अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट एट द ईयर एंड फॉर द एम्प्लॉय क्लेमिंग अनफेयर डिस्पोजल। ठीक है, दिस इज बिकॉज अ ट्रिगरिंग इवेंट हैपेंड इन नवंबर व्हिच इज बिफोर द ईयर एंड। सही, ईयर एंड से पहले हुआ है। अच्छा देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू द इंजर्ड कस्टमर एट 31 दिसंबर 7, द इवेंट हैपेंड आफ्टर द ईयर एंड। देयरफॉर एनी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लेम मेड बाय द कस्टमर will be reflected in financial statements for the year ended December 2008। तो ईयर एंड से पहले अगर इवेंट हुआ है तो वो रिकॉर्ड होगा, ईयर एंड के बाद हुआ है तो वो रिकॉर्ड नहीं। एक पॉइंट और याद रखना है, ऑब्लिगेशन कैश शुड एन ऑब्लिगेशन बी रिकॉग्नाइज एट December 31 फॉर आइदर ऑफ द दिस लॉसूट। क्या डिफाइन करता है लीगल ऑब्लिगेशन? इज एन ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव फ्रॉम, कुछ चीजें आगे पीछे हो गई हैं। मतलब लीगल ऑब्लिगेशन में यहाँ डिफाइन कर रहा है, ऊपर उसने डिफाइन नहीं किया था ना। ड्राइव फ्रॉम द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन, लॉ बना हुआ है और अदर ऑपरेशन ऑफ, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन कहला। इसकी प्रिंटिंग आगे पीछे हो गई है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव फ्रॉम एन एंटिटीज एक्शन वेयर बाय एन एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस पब्लिश्ड पॉलिसीज और अ सफिशियंटली स्पेसिफिक करंट स्टेटमेंट एंटिटी हैज इंडिकेटेड टू अदर पार्टीज दैट इट विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिजल्ट एंटिटी हैज क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ दोज अदर पार्टीज दैट इट विल डिस्चार्ज दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसने ये वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ने एक्सप्लेन कर दिया जो हम बात कर चुके हैं पहले। अच्छा अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स, अब ये क्या होता है? कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी इंग्लिश का एक वर्ड है, कंटीजेंसी, कंटीजेंसी उससे बन गया कंटीजेंट। इमरजेंसी नहीं, कंटीजेंसी इमरजेंसी नहीं, सडन लॉस में नहीं हो सकता है। तो कॉन्टीजेंसी कहते हैं कि जिसका एक ऐसे इवेंट, जैसे होता है कॉन्टीजेंट इवेंट, एक वर्ड यूज है कॉन्टीजेंट इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है और पॉसिबल है और नहीं भी है। अच्छा कंटीजेंसी होती है मतलब वहां यूज मीन होते हैं जिसका होना या ना होना, एक ऐसा इवेंट जिसका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट।
अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। सर की बात करते हैं ना, अगर आपके एग्जाम में 90 मार्क्स आए तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है? तो अब गिफ्ट देना या ना देना किस पे डिपेंड कर रहे हैं? 90 आने पर। तो ये कहलाएगा एक कॉन्टिजेंट इवेंट, ठीक है? कॉन्टिजेंसीज क्या होती है? कॉन्टिजेंसीज या कॉन्टिजेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि जिनका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है। हाँ कह सकते हैं। अगर कल बारिश हुई तो क्लास नहीं होगी। अब क्लास का होना या ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है? बारिश पे। तो ये भी क्या है? कॉन्टिजेंट इवेंट, एक कॉन्टिजेंसी। ये थोड़ा तो कॉन्टिजेंसी का मतलब ये होता है कि किसी वो एक इवेंट जिसके होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करे उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी, ठीक है? अच्छा, अभी ये देखें, दोनों के साइड आ सकता है। एसेट के मीनिंग में भी ले सकते हैं इसको, लायबिलिटी के लिए भी। देखिए, एक के लिए अगर लायबिलिटी है तो दूसरे के लिए एसेट होता है ना। जैसे पेबल और रिसीवेबल की बात करें, एक के रिसीवेबल्स हैं तो दूसरे के वो पेबल्स होता है, एक के पेबल है तो दूसरे के रिसीवेबल है, यानी कि एक के लिए लायबिलिटी तो दूसरे के लिए एसेट बन जाता है, ठीक है? राइट। तो इसमें हम दोनों चीजों पर बात कर लेंगे, फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स, ठीक? अच्छा, अब ये क्या होते हैं? जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वही कि जिसका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करे। जैसे मैं कहता हूँ अगर आपके F3 में 90 मार्क्स आए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तब ये मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है ना कि अगर आपके 90 मार्क्स आए तो मुझे गिफ्ट देना पड़े, और आपके लिए ये कॉन्टिजेंट एसेट बन जाएगा कि आपके अगर 90 मार्क्स आ गए तो आप गिफ्ट लेंगे मुझसे, सही? कॉन्टिजेंसी होगी। क्या बात है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है, एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस, मतलब वही होना या ना होना, अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए, जैसे आपने मैंने कहा कि 90 मार्क्स आएंगे तो गिफ्ट, अब गिफ्ट देना है नहीं देना है डिपेंड कर रहा है आपके 90 आने पे। अब 90 आना है ना आना मेरे कंट्रोल में नहीं, ठीक है? अच्छा, कल बारिश होगी तो छुट्टी हो जाएगी। अब छुट्टी कब होगी? अगर बारिश, बारिश का होना या ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर केस हारे तो 5 लाख का फाइन लगेगा, अगर केस हार गया तो 5 लाख का फाइन लगेगा। तो ये कॉन्टिजेंट हो गया कि अगर हारे तो लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा। अच्छा, अब केस का हारना या जीतना हमारे कंट्रोल में, वो तो जज फैसला करेगा क्या होना है, सही? फिर पढ़ते हैं। तो कॉन्टिजेंट नहीं, कोशिश कर करेंगे ना, कंट्रोल में तो नहीं है ना हमारी। सामने आगे दो नंबरी पे यार, अभी सही काम कंट्रोल में नहीं है, फिर भी नहीं है, फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। तो लिखो, कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पहले कोई इवेंट हुआ, जैसे आपने वही डिफेक्टेड गुड्स ही कस्टमर को डैमेज हो गया, उसने केस कर दिया, ठीक है? अब फाइन लगेगा तो फाइन लगना या लगना किस पे डिपेंड कर रहा है? केस के हारने या जीतने। तो ये क्या होगी? एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस, यानी जिसका होना, will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event not wholly within the control of the event, मतलब होली आपके कंट्रोल में है, कोशिश कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं कर सकते ना, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हैं? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। अच्छा, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करना, कब नहीं करना, इट इज नॉट प्रोबेबल। अच्छा, इफ इट इज नॉट प्रोबेबल, यानी कि इस बात की मोर देन 50% चांस ना हो दैट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इंबॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, ठीक है? अगर इस बात के चांसेस मतलब 50% से कम है
कि उसकी जो सेटलमेंट है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में नहीं होगी, मतलब कैश पे नहीं करना, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको लगता है भाई आप सॉरी कर लेंगे आपके काम हो जाएगा, तब आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशियंट रिलायबिलिटी। तो वही ऊपर वाले पॉइंट्स आ गए, तीन जो पॉइंट्स है ना, अगर उसके आगे ही जाएंगे तो फिर आप ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे एक पजल में दे दिए पॉइंट्स, तब ये समझ आ गया कंटिजेंट लायबिलिटी आपके ना, कि जिसका होना या ना होना किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करे, तो एक के लिए लायबिलिटी है तो वो दूसरे के लिए एसेट बन जाए। सर, व्हेन अ प्रोविजन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन IAS 35। क्राइटेरिया वही जो ऊपर तीन पॉइंट्स हमने पढ़े ना, प्रोबेबल हो, पास्ट इवेंट हो, और रिलायबली मेजर कर सके, तो क्या करते हैं फिर आप, इट मे स्टिल नीड टू बी डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो आपने उसको फिर रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे अपने पास, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स में उसको डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है। तो नोट्स का यहाँ मतलब क्या, बताया था मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में, पूरी बैलेंस शीट दिखाई थी ना, नोट्स टू द अकाउंट्स, तो उसमें फिर एक डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं कि ऐसा इवेंट हुआ था उसकी वजह से केस हो गया, अभी केस चल रहा है आपका, तो ये फैसला हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसको फिर आपने एक डिस्क्लोज कर देना, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, कोई केस आप पे चल रहा है, वेयर द पोटेंशियल कॉस्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद एनी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। अच्छा, यानी कि जो भी आपका फाइन है वो आप रिलायबली एस्टिमेट ना कर सके, और व्हेन द लाइकलीहुड ऑफ क्लोजिंग द लिटिगेशन इज ओनली डीम्ड पॉसिबल रादर देन प्रोबेबल। लूजिंग द लाइकलीहुड लूजिंग द लिटिगेशन इज ओनली डीम्ड पॉसिबल, हारने के चांसेस नहीं, पॉसिबल का मतलब ये हो गया मोर देन, लेस देन 50% चांस, तो वहां टर्म यूज होती है पॉसिबल। अच्छा, बात है कॉन्टिजेंट एसेट पर, कॉन्टिजेंट एसेट इज डिफाइन एज एज अ पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो वही डेफिनेशन बनेगी जो लायबिलिटी की है, और एक के लिए एसेट है तो दूसरे के लिए वो, एक के लिए लायबिलिटी है तो दूसरे के लिए एसेट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिजेंट एसेट इज व्हेन अ बिजनेस क्लेम्स कंपनसेशन, अब आपने केस किया ना, फ्रॉम अनदर पार्टी एंड द आउटकम ऑफ द क्लेम इज अनसर्टेन एट द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। हमने केस कर दिया, तब हमारे लिए वो क्या है, कंटिजेंट एसेट, और हम पे किसी ने केस किया तब वो हमारे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी। तो बात इसकी अकाउंटिंग के ऊपर बात करते हैं, रिकॉर्डिंग पर, अकाउंटिंग फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 37 रिकॉर्डिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, ठीक है, यानी कि कब आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, कब आपने कंटिजेंट एसेट रिकॉर्ड करना है, तो तीन जैसे कैटेगरीज बनाई है चार। अच्छा, रिमोट रिमोट दो दफा लिखा है, मिस प्रिंटिंग है सर में, ये है वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। तो ये जो यहाँ जो रिमोट है ना थर्ड पे, ये रिमोट नहीं है, यहाँ पे आएगा पॉसिबल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। अच्छा, तो कंटिजेंट लायबिलिटी के केस में क्या होगा, अगर वर्चुअली सर्टेन है तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, और कंटिजेंट एसेट है तो उसको आप एसेट रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज मतलब एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, एसेट के केस में आप डिस्क्लोज करेंगे, पॉसिबल है तो डिस्क्लोज करेंगे लायबिलिटी के केस में, और एसेट के केस में इग्नोर, रिमोट है तो दोनों केसेस में इग्नोर करें। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट, हाँ ये नीचे से डिफाइन किया है। नोट दैट
Note that the reporting standard gives no guidance regarding the meaning of the terms in the left-hand column. One possible interpretation is as follows. Virtually certain means more than 95% chance. Probable means 51 to 95% chance. Possible means 5 to 50% chance. Or remote means less than 50%. अच्छा वापस पढ़ते हैं आप समझ आएगा कि आपने देखें कंटिजेंट लायबिलिटी को कब रिकॉर्ड करना है और कंटिजेंट एसेट कब रिकॉर्ड करना है तो वो इस टेबल को देख के हम डिसाइड करें। तो वर्चुअली सर्टेन मींस मोर देन अगर 50% चांस है तो आपने लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे एसेट भी रिकॉर्ड करेंगे। प्रोबेबल यानी कि 51 to 95% चांस है तो लायबिलिटी के केस में प्रोविजन रिकॉर्ड होगी एसेट के केस में इग्नोर डिस्क्लोज करेंगे। और फिर पॉसिबल 5 to 50% चांस है तो लायबिलिटी के केस में डिस्क्लोज करेंगे एसेट के केस में इग्नोर करेंगे। और रिमोट अगर यानी कि लेस देन 5% चांस है तो दोनों केसेस में इग्नोर करेंगे। तो इस टेबल को देखकर हम डिसाइड करेंगे कब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी और कब कॉन्टिजेंट एसेट को एसेट रिकॉर्ड करेंगे रिकोगनाइज करना है। तो ये टेबल आपको याद रख इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 2 जी तो इसमें प्रोविजन रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे ये आपके वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गई ना तो इसमें प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे ईयर एंड पे के कुछ ना कुछ तो रिफंड हो गए तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रिफंड ना सही तो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे कर लें सॉल्यूशन इज इस बात के लिए प्रोबेबल था कि कुछ तो रिफंड होंगे और अगर पाकिस्तानी है तो फिर तो लास्ट में रिफंड होंगे ऐसे ही होता है। अगर पाकिस्तान में पॉलिसी आ जाए रिफंड वाली तो क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं अगर आप सेटिस्फाई ना हो आपको समझ में नहीं आ रही सूट नहीं कर रही या मज़ा नहीं आया आप रिफंड कर दें तो रिफंड ही हो रहा होगा फिर सेल वेल नहीं होगी यही होता है बस शौक पूरा करके वापस कर देंगे खरीदेगा कोई नहीं। घर में जैसे कोई फंक्शन है शादी वादी है तो क्या होगा कैमरा लिया है मोबाइल खरीद के लिए अच्छा सा पूरी वीडियोस बनाई पिक्चर्स बनाई 7 दिन बाद बात सही करेंगे यही चल रहा है मजा नहीं आया दूसरा देते ऐसे ही होता है। एक दोस्त था मेरा दोस्त के फादर थे अमेरिका में पुरानी बात है कई साल तो वहाँ उस वक्त मोबाइल वोबाइल नहीं थे कैमरे का दौर तो वो लोग यही करते थे पाकिस्तानी घर में भी तकरीब है कैमरा खरीद के लिए पिक्चर्स बनाई वापस करके ऐसे ही होता है। एक उसका किस्सा था जुनेद जमशेद ने खुद उसका अपना किस्सा उसमें बता रहा था वो कहीं कनाडा वनाडा कहीं गया था वहाँ सर्दी होती है उसने जैकेट खरीदी गर्म जैकेट अब कई महीने उस कई महीने यूज की 400 महीने अब पाकिस्तान आने लगा तो उसने कहा पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी होती नहीं जैकेट किसी काम की नहीं है फायदा ले जाने का वो जाके रिफंड करके अच्छा वो रसीद मांगी तो कहा था वो खो गई तो उन्होंने रिफंड हो गया कर दिया। हाँ पाकिस्तान सही है ना तो यहाँ ये पॉलिसी होगी तो फिर सेल नहीं होगी वो रिफंड ही हो रहे होंगे सब। चलिए ये पढ़ लें सॉल्यूशन इसका क्लियर जी क्या कह रहे हैं तब ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन इसमें बताएं
प्रोविजन रिकॉर्ड होगी और कितने से होगी अगर। अच्छा इसमें क्या होगा, वन में प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वन का बताएं। देखिए 5,000 तो आपने देने ही देने, ठीक है, बाकी 15,000 रिकॉर्ड नहीं होंगे, सही। सेकंड केस में बताएं क्या होगा, टू में प्रोविजन रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। होगी रिकॉर्ड, रिफंड कर रहे हैं ना, रिफंड की पॉलिसी है, तो ये तो रिफंड और एस्टीमेट भी निकाल लिया उसने, ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे। थ्री, तो एट में क्या होगा, अब दो चीजें, पहले आप पे किसी ने केस किया है और आपने भी केस कर दिया, अपने सप्लायर कस्टमर ने आप पे केस किया, आपने अपने सप्लायर पे केस कर दिया, तो लायबिलिटी और एसेट दोनों आ गए ना इसमें। आप सबसे बताएं कि लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, एसेट रिकॉर्ड होगा नहीं होगा। लायबिलिटी रिकॉर्ड, हाँ प्रोबेबल है, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी और एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्क्लोज करेंगे, प्रोबेबल है ना। इसमें क्या था, दोनों में प्रोबेबल है ना, तो प्रोबेबल है तो इधर आ जाए। लाइबिलिटी के केस में प्रोविजन रिकॉर्ड होगी और एसेट के केस में उसको डिस्क्लोज करेंगे। इसके बाद है मूवमेंट इन प्रोविजन, मूवमेंट मतलब वही इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे रिफंड की बात है तो हर साल हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा वो प्रोविजन डिपेंड करेगी हमारी सेल्स पर, कभी सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रोविजन ज्यादा हो जाएगी, सेल्स कम होंगी तो प्रोविजन भी आपकी कम हो जाएगी ना, तो इंक्रीज या डिक्रीज की एंट्री क्या होगी फिर। अच्छा अभी प्रोविजन की एंट्री हमने क्या बनाई थी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा अब इसमें अगर इंक्रीज आ रहे तो वो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज आएगा तो प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, वो जिस तरह बैड डेट्स में एंट्री होती थी ना, इंक्रीज डिक्रीज की। उसके बाद अब इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्या आपने नोट्स में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, ये पढ़ लें, रीड कर लीजिए। अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में प्रोविजन में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। पहला पॉइंट ये, दूसरा ठीक, तो राइट, तो ये आपका IAS 37 कंप्लीट, ये चैप्टर सब भी आ गए, ठीक है। हमने बात की थी कि प्रोविजन की, कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी, और ये कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड किए जाती है, ठीक, कंटिजेंट एसेट कब रिकॉर्ड होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी कब रिकॉर्ड, तो आंसर दें।